गांडी प्रखंड कार्यालय भवन सभा कक्ष में बुधवार को पंचायत समिति की मासिक बैठक प्रमुख राजकुमार पाठक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार, सीओ सफी आलम, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, बीईओ कोलेश्वर दास, पीएचईडी विभाग के जेई बबलू हांसदा, नरेगा जेई मेहताब आलम, कई पंचायत समिति सदस्य सहित मनरेगा, समाज कल्याण, अंचल शिक्षा, उद्योग, आपूर्ति, स्वच्छता एवं पेयजल, जीएसएलपीएस सहित अन्य विभागों के पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित रहे। युक्त सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान संबंधित विभाग के अधिकारियों ने विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी उपस्थित पंचायत समिति सदस्यों को दिया। पंचायत समिति सदस्यों ने अपने पंचायत संबंधित समस्याओं के मद्देनजर संबंधित विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया। प्रखंड 20 सूत्री उपाध्यक्ष मोहम्मद अकबर अंसारी ने दासदी पंचायत के जोरा आम गांव में अधूरे पड़े आंगनबाड़ी केंद्र को पूर्ण करने की मांग किया। साथ ही सीओ सीडीपीओ से प्रखंड स्तर में अधूरे पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची मांगी। अहिल्यापुर पंसज मोहन हाजरा ने गोदाम से सही मात्रा में अनाज उठाव करके वितरण करने की बातें कही। विभाग के विषय में जानकारी देते हुए आपूर्ति पदाधिकारी नील मणि मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्तमान समय में वेइंग मशीन के स्पॉट मशीन को जोड़कर वर्तमान में खाद्य वितरण किया जा रहा है। शिक्षा विकास पदाधिकारी कोलेश्वर दास ने कहा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में नामांकन के लिए कर्मियों को दिशा निर्देश दिया गया है। विभागीय नियमों के आधार पर छात्राओं के नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। इस दौरान मामला उठाया गया कि बरमसिया वन पंचायत में मनरेगा योजना में अनियमितता बरती जा रही है। योजना का जियो टेक कहीं और, योजना का संचालन कहीं और किया जा रहा है। वहीं झरकट्टा मुखिया रानी देवी और पंसज मोहन हाजरा ने अहिल्यापुर और झरकट्टा पंचायत में जल नल योजना में जारी अनियमितता को जांच करने की मांग की। बैठक में लॉटरी के माध्यम से बदगुंदा कुंडलवा दा बदगुंदा बरमसिया 2 और बुधुडी पंचायत के मुखिया को अगले एक साल के लिए पंचायत समिति सदस्य मनोनीत किया गया है। इस विषय में गांडी प्रमुख राजकुमार पाठक ने कहा कि बैठक में अनुपस्थित विभागीय अधिकारियों को शो कॉज किया जाएगा। वहीं अधूरे पड़े आंगनबाड़ी केंद्रों को जल्द पूर्ण करने की बातें कही गई है। आंगनबाड़ी अधूरे रहने का कारण कर्मचारी जेई और वेंडरों से स्पष्टीकरण करके पूछा जाएगा। अधूरे रखने का कारण संबंधित विभाग के कर्मी जेई और वेंडरों को जल्द पूर्ण करने की बात कही गई है। सभागार में पंचायत समिति स्तरीय बैठक हुआ। सबसे पहले मैं अपने तमाम पंचायत समिति माननीय सदस्यों को धन्यवाद दिया। साल भर आज हम लोग का कार्यकाल पूरा हो रहा है, इसलिए तमाम पदाधिकारियों आम कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं विभिन्न विभागों का समीक्षा किया, उसमें सामने जो आया जल नल योजना में भारी शिकायत है, मनरेगा योजना में भारी शिकायत है। इन सभी विभागों में सुधार करने का हर संभव सभी जेईओ को निर्देश जारी किया है।